नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू नो हाउ। हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ या सोलर सिस्टम, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया है। अब थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस प्लैनेट्स का करते हैं। बट बिफोर दैट आपको याद रखना है कि जो मेन आइडिया है सोलर सिस्टम का, ये कॉपरनिकस ने दिया था। इन्होंने ही बताया था कि सन स्टेशनरी है और प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। बट अकॉर्डिंग टू कॉपरनिकस, प्लैनेट्स परफेक्ट सर्कल में ऑर्बिट करते हैं, जिसे बाद में केपलर ने करेक्ट किया और बताया कि ऑर्बिट इज़ एक्चुअली एलिप्टिकल इन शेप। बट स्टिल द क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ सोलर सिस्टम गोज टू कॉपरनिकस। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो गलत मत करना। केपलर और कॉपरनिकस दोनों ऑप्शन में हो तो यू विल टेक ऑन कॉपरनिकस। अब देखते हैं फर्स्ट फोर प्लैनेट्स को, मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, जिन्हें हिंदी में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल कहते हैं। जिन्हें सीक्वेंस याद रखने में प्रॉब्लम होती है, वो ये इजी सी ट्रिक से याद रख सकता है कि बुध भगवान का शुक्र है जो उन्होंने हमें धरती दी मंगल से, यानी खुशी से रहने के लिए। इन चारों ग्रहों को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, यानी यहाँ पर ज़मीन है जिस पर आप खड़े हो सकते हो। इसके बाद जो बाकी चार ग्रह हैं उन पर आप खड़े नहीं हो सकते। नाउ फर्स्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज मर्क्यूरी, हिंदी में बुध। अब ध्यान से सुनो, मर्क्यूरी सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लैनेट भी, सबसे छोटा भी और सबसे फास्ट रिवॉल्व भी मर्क्यूरी ही करता है। मतलब सूर्य की परिक्रमा मर्क्यूरी सबसे जल्दी लगाता है 88 डेज में ही। ये अपना एक रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लेता है। बट मर्क्यूरी रोटेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता है, धीरे धीरे आराम से झूमते झूमते 59 डेज में ये एक घूर्णन कंप्लीट करता है। सन के इतने ज़्यादा करीब होने की वजह से मर्क्यूरी पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम है। अर्थ के मुकाबले 38% ही ग्रेविटी है। इसे ऐसे समझो, अगर आपका वेट 100 केजी है अर्थ पे, तो आप मर्क्यूरी पे जाओगे तो आपका वेट हो जाएगा वहाँ 38 केजी। वहाँ एटमॉस्फेयर भी नहीं है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर डिफरेंस है, दिन और रात में जो टेम्परेचर में फ़र्क है, वो सबसे ज़्यादा आपको मर्क्यूरी पे मिलेगा। दिन में टेम्परेचर ऑलमोस्ट 500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात में एकदम चेंज, ऑलमोस्ट -130 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर सुन के आप समझ ही गए होंगे कि मर्क्यूरी पे लाइफ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ये इतना टेम्परेचर डिफरेंस क्यों है इस प्लैनेट पे? क्योंकि इस पे गैसेस या फिर ओजोन लाइक ब्लैंकेट जो अर्थ पे है वो नहीं है। इस वजह से सूर्य से जो भी रेज आती हैं वो ट्रैप नहीं हो पाती। तो जब मर्क्यूरी की साइड सूर्य की तरफ होती है तो वो एकदम गर्म हो जाता है, और जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो सारी की सारी हीट स्पेस में निकल जाती है और मर्क्यूरी एकदम ठंडा हो जाता है। बट एक बात अच्छे से याद रखना, सन के सबसे करीब मर्क्यूरी है पर ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस, यानी शुक्र। के अलावा जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि मर्क्यूरी के पास ना सैटेलाइट, ना पानी, ना ओजोन की तरह प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, इनमें से कुछ नहीं है। और अभी तक दो ही मिशन थे जिन्होंने मर्क्यूरी को क्लोजली ऑब्जर्व किया, मरीनर 10 एंड मैसेंजर। ये दोनों नासा के ही मिशन थे। नाउ बिकॉज मर्क्यूरी सन के इतना पास है, तो यहाँ से आपको सन ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा बड़ा दिखेगा और स्काई हमेशा ब्लैक दिखेगा। दिन में भी वहाँ आपको डार्क स्काई और स्टार्स नज़र आएंगे क्योंकि मर्क्यूरी पे एटमॉस्फेयर नहीं है। नाउ नेक्स्ट प्लैनेट इज वीनस, हिंदी में शुक्र। वीनस है गॉडेस ऑफ ब्यूटी, इसका कलर है येल्लो या गोल्डन। इसका एक रोटेशन कंप्लीट होता है 243 डेज में और एक रेवोल्यूशन 225 डेज में। लगभग बराबर सा ही टाइम लगता है इसे रोटेट और रिवॉल्व करने में। वीनस सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है, हॉटेस्ट ऑफ ऑल, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अराउंड CO2 और दूसरी गैसेस की लेयर है, एक क्लाउड सा है जो सन की हीट, जो रेज आती है उससे जो हीट होती है उसे ट्रैप करके रखता है और वो हीट आउटर स्पेस में नहीं जा पाती। नाउ बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा हीट है तो सबसे ज़्यादा चमकने वाला प्लैनेट भी यही होगा। इसे शाइनिंग प्लैनेट, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार ये सब भी कहते हैं। हिंदी में सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकने वाला ग्रह, इन सब नामों से जाना जाता है। और बिकॉज इतना गर्म है तो इसे प्रेशर कुकर भी कहते हैं। अपने सोलर सिस्टम में ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है सन और मून के बाद। अब बिकॉज ये ब्राइट, शाइनिंग, सांझ का तारा, भोर का तारा, इतना कुछ है, तो इसे क्वीन ऑफ सोलर सिस्टम भी कहते हैं।
ये साइज एंड स्ट्रक्चर में काफ़ी मिलता जुलता है अर्थ से, तो इसे अर्थ का जुड़वा यानी ट्विन ऑफ अर्थ भी कहते हैं। और इसके अराउंड गैसेस के क्लाउड होने की वजह से इसे वेल्ड प्लैनेट भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं वीनस के, मगर इसके पास सैटेलाइट यानी उपग्रह एक भी नहीं और ना ही पानी है। ध्यान रखना, मर्क्यूरी और वीनस दोनों के पास ना सैटेलाइट है ना पानी है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोलर सिस्टम में दो प्लैनेट्स हैं जो बाकी सबसे ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, एक है वीनस और दूसरा यूरेनस। दोनों के एंड में नस नस आता है, तो इससे आप ध्यान रख लेना। नाउ नेक्स्ट कम्स अर्थ। अर्थ के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे बाद में, पहले पूरा सौरमंडल ख़त्म करते हैं और फिर अर्थ पे आते हैं। अब अगला है मार्स यानी मंगल, इसे गॉड ऑफ वॉर भी कहते हैं। मार्स है एक रेड प्लैनेट। रेड क्यों? क्योंकि यहाँ भरपूर आयरन ऑक्साइड है जो इसे रेडिश कलर देता है, और मार्स से जब आप स्काई देखेंगे तो पिंकिश कलर का दिखेगा। दो बातें मार्स के बारे में अच्छे से याद कर लो। फर्स्ट कि यहाँ सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा हाईएस्ट माउंटेन है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, और सेकंड मार्स के दो मून्स हैं यानी सैटेलाइट्स या उपग्रह हैं जिनका नाम है फोबोस एंड डीमोस। मार्स पे लाइफ की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है पृथ्वी के बाद। इंडिया बहुत इंटरेस्ट रखता है मार्स में। इनफैक्ट आपने सुना ही होगा मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान मिशन के बारे में, बॉलीवुड मूवी भी बनी है मिशन मंगल। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक क्विक सा रिविजन कर लो। सबसे छोटा प्लैनेट मर्क्यूरी, सन के सबसे पास मर्क्यूरी, मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस वाला प्लैनेट मर्क्यूरी, सबसे जल्दी सन का चक्कर लगाने वाला प्लैनेट मर्क्यूरी, सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकने वाला ग्रह, शाइनिंग प्लैनेट, येलो ब्राइट प्लैनेट, प्रेशर कुकर, क्वीन ऑफ सोलर सिस्टम, ट्विन ऑफ अर्थ, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, वेल्ड प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन? वीनस। ये सब उपाधियाँ वीनस के पास हैं, और इतनी उपाधियाँ हैं तभी तो क्वीन ऑफ सोलर सिस्टम है। फिर वो प्लैनेट जिसका रेवोल्यूशन और रोटेशन पीरियड ऑलमोस्ट सेम हो, वीनस। बिना मून बिना पानी वाले प्लैनेट मर्क्यूरी और वीनस। उल्टा घूमने वाले प्लैनेट वीनस और यूरेनस। उल्टा घूमने से मतलब बाकी प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, और वीनस और यूरेनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। अब ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? अर्थ को कहते हैं, क्योंकि इसके सरफेस पे मैक्सिमम पानी है। रेड प्लैनेट कौन सा है? मार्स। सबसे ऊंचा हाईएस्ट माउंटेन कहाँ है? मार्स पे। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। मार्स के पास कितने मून हैं? दो। उनके नाम फोबोस एंड डीमोस। इन सभी क्वेश्चंस को अपने ब्रेन में अच्छे से फिट कर लो, कोई कंफ्यूजन मत रखना। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बाकी के चार प्लैनेट्स के बारे में। टेक केयर, स्टडी वेल एंड शाउट टू द फैमिली ऑफ नो हाउ।